हेलो स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे इक्वेशंस आपके आएंगे जिनको रिड्यूस करना पड़ता है। जैसे आप पढ़ चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप लोग जान चुके हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा कि इसमें आपका जो वेरिएबल होगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ऐसी स्थिति में आप डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करके आपको निकालने में प्रॉब्लम आएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को हम ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स में रिड्यूस कर देते हैं, और रिड्यूस करने के बाद हम इसको इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया है 5 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equal to 2, 6 by x minus 1 minus 3 by y minus 2 equal to 1। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 5 into 1 by x minus 1 plus 1 by y minus 2 equal to 2, इसको लिख सकते हैं 6 into 1 by x minus 1 minus 3 into 1 by y minus 2। अब यहाँ लेटेस्ट सपोज हम लोगों को सपोज कर लेना है कि 1 by x minus 1 को कोई अलग वेरिएबल एक्सेप्ट x और y के अलावे कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं, u मान सकते हैं, v मान सकते हैं, t मान सकते हैं, q मान सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 by x minus 1 को t मान लिया एंड 1 by y minus 2 को हमने q मान लिया। अब यहाँ जहां जहां 1 by x minus 1 है वहां हम p रख देंगे, और जहां जहां 1 by y minus 2 है वहां q रख देंगे। तो हमारा नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, 5t plus q equal to 2, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 6t minus 3q equal to 1, this is equation number 2। अब आप जानते हैं इस दो इक्वेशन है, इसको किसी भी मेथड यू कैन अप्लाई एनी मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सॉल्व इट। तो लेट अस अप्लाई हियर एलिमिनेशन मेथड। आप कोई भी मेथड कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं हमने एलिमिनेशन मेथड किया तो आप भी करोगे। आपको जिस मेथड पे पकड़ आपकी अच्छी हो वो मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, कोफिशिएंट से इनटू करते हैं, ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। तो हो जाएगा हमारा 15t प्लस 3q इक्वल टू 6, और यहां हो जाएगा 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो 3q कैंसिल हो जाएगा, 15p प्लस 6p 21p इक्वल टू 7, सो p इक्वल टू आ जाएगा 7 by 21, दैट मीन्स 1/3। अब नाउ p का वैल्यू हम इसमें से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, या 1 में रख दें या 2 में रख दें। तो पुटिंग जैसा आप एलिमिनेशन मेथड में करते हैं उसी तरह करना है, putting p is equal to 1 by 3 in 1 या 2, तो हो जाएगा 5 by 3 plus q equal to 2 और q is equal to 2 minus 5 by 3, तो कितना हो जाएगा, 1 by 3 हो जाएगा। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि p और q दोनों का वैल्यू 1/3 हुआ। अब इससे हम लोगों को क्या करना होगा, निकालना होगा कि x और y का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि मेन हम लोगों को x और y का ही वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम p और q का वैल्यू निकाल के नहीं छोड़ सकते। अब हमारा p का वैल्यू आया था 1/3, तो p हमने किसको माना था, 1/x-1 को। तो यहां p की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 1/x-1 = 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो x माइनस वन इक्वल टू थ्री इंप्लाइज x इक्वल टू थ्री प्लस वन फोर। सिमिलरली हमने q को माना था, q इक्वल टू वन बाई थ्री आया है, तो q किसको माना था, वन बाई वाई माइनस टू, वन बाई थ्री हो गया। फिर इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो y माइनस टू इक्वल टू थ्री, तो देयरफॉर y इक्वल टू थ्री प्लस टू इक्वल टू फाइव। तो इस तरह हमारा x और y का वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू फोर एंड y का वैल्यू फाइव। तो इस मेथड से हम लोग किसी का निकाल सकते हैं, इस तरह के जो भी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल्स को डिनोमिनेटर के में दिया हो, तो इस तरह से हम उसको रिड्यूस करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं।